हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलिए आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? ठीक है, तो ये जो संसार है इसमें हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, बच्चों के नाम, औरतों के नाम, आदमियों के नाम। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस संसार में हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके मम्मी पापा ने भी कोई ना कोई नाम रखा होगा जिससे आपकी एक पहचान होती है। ऐसे ही मेरा नाम है, ठीक है, ऐसे ही ये पेन है जिससे हमें इसकी पहचान होती है, ये पेन है, और ये एक कॉपी है जिससे ये पहचान होती है कि ये कॉपी है और इसमें लिखा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? तो कहने का ये मतलब है कि इस संसार में हर एक वस्तु की पहचान के लिए उसका कोई ना कोई नाम होता है जिससे उसकी हमें पहचान होती है। ठीक है, तो अब हम बोर्ड पर मैं आपको ये समझाती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। समझ आया बच्चों मैं क्या बता रही हूँ आपको? चलिए इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो मैं अब उदाहरण समझाती हूँ आपको। जैसे युवराज, आमिर और जॉन के साथ कनाडा से दिल्ली घूमने आया है। शाम को वे घूमने निकले। इंडिया गेट पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाया। रात को आसपास की खूबसूरती देखकर उन्हें खुशी हुई। कुल्फी, चाट और गोलगप्पे खाकर वे वापस घर आ गए। तो अब हम इस उदाहरण से समझेंगे कि संज्ञा क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल से या उदाहरण से आपको बताती हूँ। इसमें देखिए, युवराज, आमिर और जॉन ये व्यक्तियों के नाम है, यानी प्राणियों के नाम है। तो व्यक्तियों के नाम ये देखिए, व्यक्ति में व्यक्ति, व्यक्तियों के नाम कौन से आए हैं? युवराज, आमिर और जॉन। युवराज, आमिर और जॉन, समझ गए ना? ऐसे ही वस्तु, आप इसमें हम पढ़ेंगे उदाहरण में कि वस्तुओं के नाम कौन से आए हैं। इसमें वस्तुओं के नाम आए हैं इसमें कुल्फी, चाट और गोलगप्पे। कुल्फी, चाट और गोल गप्पे, समझ रहे हो बेटा? सर समझ रहे हो ना? सर समझ आ रहा है? अब हम स्थान के बारे में जानेंगे कि इसमें स्थान कौन सा, कौन कौन से हैं। तो स्थान इसमें कौन कौन से आए हैं देखेंगे। एक तो है कनाडा और दूसरा है इंडिया गेट और एक है इसमें दिल्ली। तो ये है स्थानों के नाम, कनाडा, दिल्ली, इंडिया गेट। ठीक है, समझ आ रहा ना सबको? और अब हमारा रह गया भाव का। भाव का मीन्स, भाव का मतलब है फीलिंग्स, जैसे हंसना, रोना, खुशी,
गमी, सुख दुख, हरियाली, ये सब हमारे भाव है, हमारे भाव में ये आते हैं। जैसे जब हम खुश होते हैं तो ये हमारी फीलिंग्स होती है कि हम खुश हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम भाव का बताते हैं आपको। भाव में क्या आएगा? भाव में आएगा आपका एक तो श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा भी भाव है, और दूसरा है खूबसूरती, ठीक है, दूसरा है खूबसूरती। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का मतलब संसार में हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता है जिससे हमें उस चीज की पहचान होती है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में मैंने समझाया व्यक्तियों के नाम कौन कौन से आए हैं, युवराज, आमिर, जॉन, किसी भी व्यक्तियों के नाम। वस्तुओं के नाम कुल्फी, चाट, गोलगप्पे। स्थान कैनेडा, दिल्ली, इंडिया गेट। और भाव में श्रद्धा और खूबसूरती, ठीक है। तो आपको ये सब समझ आ गया तो मुझे ये सब कमेंट करके आप बताना, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताना। और मैं अगली वीडियो में आपको संज्ञा के जो भेद होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। थैंक।